में चंदा चंदा फूड रेसिपी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे बेसन की सब्जी। घर में कोई हरी सब्जी ना हो तो झटपट बनाएं बेसन की सब्जी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक कटोरी हम बेसन लेंगे, आप जितना सा बनाएंगे उतने हिसाब से लीजिए। इसमें थोड़ी सी डालेंगे हल्दी पाउडर और कुछ नहीं डालेंगे। इसका हम पेस्ट तैयार कर लेंगे, बहुत पतला नहीं करना है। जरा सा और पानी लगेगा। देखिए पेस्ट हमने तैयार कर लिया है, इस तरह का चाहिए हमें पेस्ट। अब इधर एक रोटी बनाने का तवा लिया है, तवा हमारा गर्म हो गया तो इसमें डालेंगे तेल एक चम्मच। एक चम्मच तेल डालेंगे, चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे। अब इस पे डालेंगे बेसन का पेस्ट। इस तरह से चारों तरफ फैला देंगे पतला पतला करके। बस हो गया हमारा। एक तरफ से पक गया है, दूसरे तरफ से हम पलटा देंगे। दोनों तरफ से अच्छे से हम सेक लेंगे। दोनों तरफ अच्छे से सेक लेते हैं। दोनों तरफ देखिए हो गया, हम निकाल लेते हैं प्लेट में। अच्छी तरह से हमने सेक लिया दोनों तरफ से। अब दूसरा भी मैं इसी तरह से बना लेती हूँ। देखिए दूसरा भी हमने बना लिया है उसी तरह से। अब इसकी रस बनाने के लिए हमें लगेंगे ये सब। एक प्याज बड़ी लेंगे, एक टमाटर, थोड़ा सा लहसुन और एक हरी मिर्ची। अगर आप ज्यादा तीखा पसंद करते हैं तो दो मिर्ची डालिए, और हम मसाला डालेंगे इसलिए मैं एक ही मिर्ची डाल रही हूँ। ये सबको थोड़ा मैं भून लेती हूँ। प्याज को छोटा छोटा कट कर लेते हैं। क्या होता है, कच्चे प्याज भी हम पीस सकते हैं क्या, ज्यादा देर फिर हमको भूनना पड़ेगा। ऐसे पहले भून के डालेंगे ना तो फिर कम भी बाद में भूनेंगे तो चलता है। इसलिए मैं थोड़ा अभी तेल में डाल के भून लेती हूँ, फिर पीसूंगी। और इसकी रस वाली सब्जी बहुत अच्छी बनती है। तो कढ़ाई में थोड़ी सी डालती हूँ तेल। प्याज को जरा सा भूनना है। अब इसमें डालेंगे प्याज, प्याज को हमें दो मिनट भून लेंगे और फिर पीस लेंगे। दो मिनट हमने भून लिया है, अब निकाल लेंगे। एक मिक्सी की जार में हम निकाल लेते हैं सारे प्याज। अब इसमें डालेंगे छिला हुआ लहसुन, एक पोटी हमने छील के रखा था। सारे लहसुन इसमें डाल देंगे, हरी मिर्ची को भी तोड़ के डाल देंगे और टमाटर भी कट करके इसमें डाल देंगे। सबको एक साथ हम पीस लेंगे मिक्सी में। पीस लेती हूँ मैं। देखिए हमने सबका पेस्ट बना लिया है। अब कढ़ाई गरम कर लेंगे। कढ़ाई हमारा गरम हो गया है तब इसमें डालेंगे तेल। तेल हमारा गरम हो गया तब इसमें डालेंगे पचफोरन। इसमें जीरा, सौंफ, सरसों और यही सब है, मेथी दाने ये सब है। और इसमें डालेंगे हम कड़ी पत्ता। अब इसमें डालेंगे पिसा हुआ प्याज, टमाटर, लहसुन के पीस में। ये सब डाल के दो मिनट भून लेंगे।
अब इसमें डालेंगे मसाले। तो एक चम्मच पहले मैं नमक डाल देती हूँ, रस वाला सब्जी करेंगे तो एक चम्मच डालती हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार डालें। और एक चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर और थोड़ी सी डाल देती हूँ, रस वाली सब्जी बनेगी ना ज़्यादा। आधा चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर, एक चम्मच डालेंगे गरम मसाला, एक चम्मच डालेंगे इसमें कोल्हापुरी कंदा लहसुन चटनी। इसे अब डाल के भून लेंगे अच्छी तरह से। मसाला को हमने अच्छी तरह से भून लिया, देखिए तेल छोटा है साइड सबसे। तो अब हमने जो बेसन की पूड़ी बनाई है उसको हम कट कर लेते हैं। देखिए दो वो हमने बनाया है, इसको हम कट कर लेते हैं छोटा छोटा पीस। आप जैसा भी शेप दीजिए ऐसे छोटा छोटा कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने ऐसा शेप बनाया है, सारे कट कर लेती हूँ मैं। देखिए सारे हमने कट कर लिया है। उधर मसाला जो हमने भुना है इसमें पानी डाल लेते हैं। इसमें पानी जितना सा रस आपको करना है उसके हिसाब से पानी डालिए। हमने पानी डाल लिए हैं, उबाल आएगा तब हम डालेंगे और पूरी बेसन की। देखिए बॉयल आ गई है तो इसमें आप डाल देते हैं ये जो बेसन का कट किया हमने, ये सब डाल देते हैं। बस इसको और दो मिनट पका लेना है रस के साथ, बस हमारा सब्जी तैयार। इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता ज़्यादा, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है बेसन की सब्जी। देखिए सब्जी में हमारी बॉयल आ गई है तो इसमें डाल देते हैं फ्रेश धनिया और गैस बंद कर देते हैं और एक पॉट में निकाल के दिखाती है हमारी सब्जी कैसी बनी है कि कितना अच्छा से बन के हमारे रस वाली सब्जी बन के तैयार है। बेसन की सब्जी हमारी बन के तैयार है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले नई रेसिपी के साथ।